छोटी सी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायद लगातार जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज भी दिल्ली के दौरे पर हैं, तो दिल्ली में एक और बैठक की जाएगी। राजस्थान में संगठन विस्तार को लेकर लगातार कवायदें की जा रही है। प्रदेश प्रभारी रंधावा पहुंचे हुए राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी दिल्ली में कई मैराथन बैठकें की गई। मैराथन बैठकों के बाद एआईसीसी को सूची सौंपी गई थी, अब अंतिम समय में आंशिक फेरबदल किया जा रहा है। आला कमान के हस्तक्षेप के बाद बताया जा रहा है कि कुछ फेरबदल किया जा रहा है। चुनावी वर्ष में सोशल इंजीनियरिंग पर खासा फोकस है। एक्सरसाइज के बाद एआईसीसी को आज फाइनल सूची सौंपी जा सकती है। इसी सप्ताह में संगठन विस्तार की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो लगातार राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायदें तेज कर दी गई हैं। लखवीर सहयोगी दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, जिस तरीके से कवायदें तेज हैं, ऐसा लग रहा है इसी सप्ताह कुछ हो सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही है आज की बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन विस्तार करना चाहती है और उसके मद्देनजर लगातार कई मैराथन बैठ के राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सप्ताह भी हुई और आज दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल वे दिल्ली स्थित राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। दोनों नेता फाइनल मंत्रणा आज करेंगे। जो गाइडलाइंस दी गई हैं आलाकमान के द्वारा कि जो पिछले सप्ताह फाइनल सूची सौंप दी गई थी प्रदेश कांग्रेस की ओर से एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को, लेकिन कुछ गाइडलाइन सौंपी गई, कुछ निर्देश दिए गए आलाकमान के द्वारा प्रदेश कांग्रेस को कि चुनावी साल है, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाए, जाति बिरादरी क्षेत्र का ध्यान रखा जाए, युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, ये तमाम पहलू हैं जिनको फोकस करना चाहिए संगठन विस्तार में। इसीलिए आंशिक फेरबदल हो रहा है अंतिम समय में, कुछ मोटा मोटा फेरबदल नहीं होगा लेकिन छोटा मोटा फेरबदल संभव है। उसको लेकर दोनों नेता आज दिल्ली में मंत्रणा करेंगे और मंत्रणा करने के बाद फाइनल एक्सरसाइज करके आज ही सूपी एआईसीसी को सौंपे जाने की पूरी संभावना है और इसी सप्ताह राजस्थान कांग्रेस का संगठन विस्तार हो जाएगा, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रदेश कांग्रेस की पीसीसी कार्यकारिणी का ऐलान होना, जिसमें पीसीसी सचिवों का ऐलान होगा और जिला अध्यक्षों का ऐलान होगा। मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए है प्रियंका, क्योंकि एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी 85 सचिवों की सूचियों पर रोक लगाई थी, क्योंकि एआईसीसी का कहना था कि एआईसीसी अप्रूवल नहीं लिया गया। ऐसे में अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि अब जो नई पीसीसी की सूची आएगी, जिसमें कम से कम 100-125 के करीब नए सचिव होंगे, बल्कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 85 नामों की ऐलान हो, बल्कि यह है कि अब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है पीसीसी सचिवों के नामों में और करीब 125 नाम होंगे। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो 85 नाम पहले घोषित किए गए थे उनमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, उनमें से मोटा मोटा नाम रिपीट होंगे लेकिन कुछ फेरबदल संभव है। तो स्वाभाविक है कि चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को धार देना चाहती है और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना चाहती है, ताकि जो कहना है कांग्रेस पार्टी का कि हमारी सरकार की योजनाओं का जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है और हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के तौर पर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है उनका कहना है, लेकिन संगठन भी मजबूत करना होगा अगर सरकार रिपीट करनी है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है और यही कारण है कि जुलाई महीने जरूरी, और चूंकि चुनावी साल है ऐसे में कोई भी चूक कांग्रेस नहीं चाहती है। किस कदर राजस्थान में कांग्रेस जीत दर्ज कर सके, ये एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। बाबूलाल धाल भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, चूंकि संगठन विस्तार को लेकर कवायदे तेज हैं और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है इसे लेकर, क्या चल रहा है इस वक्त जयपुर में? देखिए, जयपुर की तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है राजस्थान भर के, उनकी निगाह है कि सबसे पहले तो ये है कि पार्टी स्वीकार्य चेहरों पर दाव लगाएगी ताकि कहीं विरोध के सुर दिखाई ना पड़े। चुनावी साल है और जब जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी में नेताओं को, तो जो वर्तमान में विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं आशंका नहीं होनी चाहिए कि ये जो नेता है, ये कार्यकर्ता है, इसको इस पद पर जिम्मेदारी मिली है, कहीं ये मेरी टिकट के लिए खतरा तो नहीं बन जाए। तो एक नई टीम ऐसी बनाई जाएगी जिसका धरातल पर जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी स्वीकार्यता हो और जो विधायक को, उस इलाके के मंत्री को साथ लेकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सके। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर ऐसे चेहरे तराशे गए हैं जिन पर मोहर लगनी बाकी है।
बहुत होमवर्क हो चुका है, महीनों का होमवर्क है, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव से पहले तक विधायकों के साथ काम करे, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लेकर के जाए और एक जनता के बीच में सकारात्मक माहौल पार्टी के प्रति सरकार के प्रति पैदा करे। तो एक कोशिश है जिसके नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सूची बाहर आएगी चाहे वो डीसीसी की हो चाहे पीसीसी की हो, उसमें उन जिम्मेदार नेताओं को आगे लाया जाएगा जो पार्टी के प्रति सोच रखते हैं, निष्ठावान हैं और उनको दायित्व देने से पार्टी मजबूत होती है और उनको हो सकता है भविष्य में चुनाव भी लड़ाया जाए। तो ऐसे चेहरे भी बहुत सारे होंगे जिनको अब जिम्मेदारी मिलेगी, वो चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने की पार्टी की कोशिश है ताकि उसको जब चुनाव में वो पार्टी जाए तो ज्यादा जनता के बीच में चेहरे को लेकर के ज्यादा रस्साकसी का माहौल पैदा ना हो, जनता के बीच में असमंजस के हालात पैदा ना हो, जनता ये ना कहे कि अनजान और गुमनाम चेहरों को आपने टिकट दे दी है। तो ऐसे चेहरों को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की कवायद होगी और ऐसे ही नेताओं को दायित्व देकर के पार्टी चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश करेगी। बहुत ही ऊर्जावान चेहरे पार्टी ने तलाशे हैं, जो 85 सचिव बनाए थे जिसकी लिस्ट रोकी हुई है, माना यही जा रहा है कि उनमें अधिकांश के नाम पर मोहर लग जाएगी और डीसीसी और पीसीसी के जो और नेता है वो उनकी लिस्ट भी जल्द आ सकती है। बिल्कुल, चुनावी मझधार को पार करने के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं और कोई चूक ना होने पाए यही वजह है कि सूचियों में थोड़ी बहुत फेरबदल भी की जा रही है। लखवीर, आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे समीकरण हैं जिस पर खासा फोकस रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जैसे कि आप बता रहे थे कि जाति से लेकर जो क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ महिलाओं पर फोकस रखने को भी कहा गया है, क्या युवाओं पर भी फोकस रखा जा रहा है? लखवीर, देखिए स्वाभाविक प्रियंका, चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान चाहता है कि प्रदेश में सरकार रिपीट हो और सरकार रिपीट करने के लिए संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए तमाम मापदंड, तमाम पैमाने इस संगठन फेरबदल में फोकस किए जाए, ये आलाकमान का उद्देश्य है। साफ तौर पर चाहे महिला हो, युवा हो, इनका प्रतिनिधित्व अधिक बढ़ाया जाए, ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो नई टीम हो चाहे वो डीसीसी की हो या पीसीसी की हो, उसमें युवा चेहरे हो, महिलाओं का खास प्रतिनिधित्व रखा जाए, महिलाओं पर खास फोकस रखा जाए और इसके साथ ही हर क्षेत्र को छुआ जाए, हर क्षेत्र और हर जाति का प्रतिनिधित्व इस सूची में होना चाहिए। ये साफ निर्देश आलाकमान की तरफ से दिए गए हैं क्योंकि इस साल में ही चुनाव होने हैं, चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक है कि हर मैसेज देना चाहती है पार्टी, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है संगठन फेरबदल में, चुनाव संगठन विस्तार में भी कोई चूक ना होने पाए और हर तरीके से मैसेज देने की कोशिश की कार्यकर्ताओं का किस तरीके से खास ख्याल रखा जाता है कांग्रेस पार्टी में। और इसके साथ साथ जब ये सूची जारी होगी तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कौन से वो समीकरण जिस पर खासा फोकस रहता है। बहुत शुक्रिया लखवीर और बाबूलाल, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज प्रतापगढ़